उत्तर प्रदेश में एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई। आज प्रयागराज में हजारों युवा जमा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर। उनकी मांग ये है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा जो हुई उसमें जो पेपर लीक हुए उस मामले में निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो और परीक्षा निरस्त करके पुनः कराई जाए। तो इसलिए प्रयागराज में हजारों युवा जमा हो रहे हैं लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर। प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में आज हजारों युवा जमा होंगे। उनकी मांग है कि अभी पिछले दिनों जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है जिसमें पुलिस आरक्षी के करीब 60,000 पदों के लिए आवेदन किया था 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने, उस परीक्षा में कुछ प्रश्न पत्र लीक हुए हैं छात्रों का आरोप है, इस नाते वो परीक्षा निरस्त की जाए और फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया जाए। दो घटनाक्रम और, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा के मामले में एक जांच समिति काम कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक आंतरिक जांच समिति बनाई थी, वो अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल की दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरा, ये पुलिस भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र लीक होने का मसला है, इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वो आज शाम यानी 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक उनके पास जो भी साक्ष्य हैं, जो भी प्रमाण हैं प्रश्न पत्र के लीक होने से संबंधित, वो वेबसाइट पर अपलोड करें, पुलिस भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद फिर पुलिस भर्ती बोर्ड किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और अपनी संस्तुति शासन को करेगा कि क्या होना चाहिए इस मामले में। तो ये चार कोण हैं और पांचवा कोण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो से लेके जो तमाम विसंगतियां असंगतियां दिखाई दी, जो तमाम लूफोल्स दिखाई दिए, उन सबकी जांच के लिए एक पहले से ही एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। तो दो बड़ी परीक्षाएं जिसमें पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी वो तो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा रही, भर्ती परीक्षा रही होगी, शायद ही दुनिया में कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए इतनी बड़ी परीक्षा हुई हो जिसमें 0.25 करोड़ नौजवान अभ्यर्थी हो। दो बड़ी परीक्षाएं, उनमें पेपर लीक का मसला, लाखों नौजवान उद्वेलित। छोड़ दीजिए विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं और भाजपा क्या कह रही है, यह मसला भाजपा और सपा और कांग्रेस का चुनावी मसला नहीं है, नहीं हो सकता। यह करोड़ों नौजवान के मुस्तकबिल का मसला है, उसके भविष्य का प्रश्न है। पिछले दो दशकों से देखिए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना कोई चौंकाने वाली घटना नहीं मानी जा सकती। ऐसा नहीं कि युवाओं ने जो आरोप लगाया है, जो बात कही है कि पेपर लीक हुए, ये अजूबा है, नहीं, अधिकांश परीक्षाओं के साथ यही स्थितियां बनती रहीं और नौजवान भटकते रहे, शासन को प्रत्यावेदन जाते रहे, जांच समितियां बनती रहीं, उनकी रिपोर्ट आती रही, रिपोर्ट ठंडे बस्ते में जाती रही, अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते रहे, तारीखें पड़ती रहीं, अभ्यर्थियों का खेत मकान बिक गया। ये एक दिन की बात नहीं, 2.5 दशक के उदाहरण तो हमें याद है। हर भर्ती अटकी लटकी भटकी, टीईटी का इम्तहान हो या किसी का इम्तहान हो,
कई पर्चा छापने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ऐसे प्रेस वाले को दे दी जो मुंडन के कार्ड छापता था, उसने मुंडन का कार्ड समझ के पर्चा भी बांट दिया। ऐसी परिस्थिति क्या नहीं हुई थी अभी कुछ समय पहले? हुई थी ना। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि इन लाखों नौजवानों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी कैसे दी जाए। एक दूसरा, कोई भी परीक्षा अगर वो अभ्यर्थियों में ये विश्वास स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि वह परीक्षा पारदर्शिता और ईमानदारी और शुचिता के साथ संपन्न हो रही है, तो फिर उस परीक्षा पर सवाल खड़े रहेंगे। जानिए, परीक्षा में कम से कम अभ्यर्थी को यह तो यकीन होना चाहिए कि हां, ईमानदारी से परीक्षा हुई, हमारा हुआ नहीं हुआ अलग का विषय। लेकिन ये सॉल्वर गैंग, ये पेपर लीक, ये स्थितियां दुखद और खेदजनक दोनों है। अब मसला उठता है कि हो क्या? राजनीतिक लोग अपनी सुविधा से रोटी सेक के अलग हो जाएंगे, बहुत दिनों तक वो किसी एक मुद्दे पर रहते भी नहीं। लेकिन आप सोचिए, 50 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, एक नौजवान का एक के साथ एक परिवार, यानी 5 लोग, यानी 2.5 करोड़ लोगों से जुड़ा मसला है पुलिस भर्ती। और इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का विषय और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा करीब 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ लोगों से जुड़ा मसला। अब मुश्किल ये है कि अतीत में जितने भी कदाचार इस ढंग के हुए, खासतौर पर भर्ती परीक्षा या प्रवेश परीक्षाओं में अनैतिक स्थितियों का जो चलन रहा, उसमें कभी किसी बड़े अधिकारी को जेल नहीं हुई। किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को जेल हुई नहीं। 2-4 कोचिंग वाले डंडे आके बंद कर दिए, 10-20-50 लड़के बंद कर दिए, जो धरना देने गए उनको लठिया दिया, कहीं पानी छोड़ दिया, कहीं डंडा चला दिया, हो गया काम ना। ना इतना ही हुआ, कुछ कमेटियां बन गई, उन्होंने कुछ कागज काले कर दिए, 1000-2000 पन्नों की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट दाखिल दफ्तर हो गई, अंदर रख दी, बात खत्म हुई। यही ना, किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले को उठा के बंद कर दिया, बोले भाई इसने पर्चा बांट दिया था, चल छोड़ो। वो भी 2 महीने बाद मामला ठंडा हुआ, जमानत करा के आ गया, फिर अपनी प्रेस धकाधक चला रहा है। नहीं, ऐसा ही है ना, ऐसा ही हुआ है ना हर बार, शासन किसी का रहा हो। क्या ऐसा कोई आपको प्रसंग याद है किसी की सरकार में कि ऐसी घटना दुर्घटना घटी हो जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने से लेके और परीक्षा में व्यापक पैमाने पर कदाचार जैसी घटनाएं जो आती हैं उनमें, तो शासन ने 2-4-5 सीनियर आईएएस को बर्खास्त करके जेल भेज दिया हो? किया क्या कभी? नहीं। आखिर ये जो सब परीक्षाएं होती हैं, इनकी लिए कोई व्यवस्था विभागीय होती होगी ना, और उसके सर्वोच्च पायदान पर आईएएस अधिकारी बैठता होगा, जिम्मेदारी उसकी हमने कभी लगाई ही नहीं। छोटे मोटे बाबुओं को पकड़ने से, उनको निलंबित कर देने से वो 6 महीने बाद बहाल हो जाते हैं, फिर अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं जहां चाहते हैं, उससे कुछ हल निकलेगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कितनी बार इस बात को उठाया, शासन में भी, सत्ता में भी, सार्वजनिक इस मंचों से भी, टीवी के मंच से भी, कि बड़े अधिकारी की गर्दन को पकड़िए। एक पुलिस भर्ती परीक्षा थी, शासन के स्तर पर यह तय होना चाहिए था कि भाई ये 5 बड़े अधिकारी इसके परीक्षा के शुचितापूर्ण संपन्न होने के लिए जिम्मेदार होंगे, और अगर इसमें कहीं से सेंधमारी हुई तो आपकी जिम्मेदारी लगेगी। वो 5 लोग मुअत्तल किए जाते, बर्खास्तगी की कार्रवाई उनकी शुरू होती और जेल भेज दिए गए होते।
सौ साल तक सिहरन रहती इस व्यवस्था में, सिस्टम में, सौ साल तक सिहरन रहती इस घटना की। अरे बाबा, अरे बाबा, पांच सीनियर आईएएस आईपीएस जेल में चक्की पीस रहे हैं, पीसम पीसम पीसम। लोग जानते हैं कुछ नहीं होना जाना होता है, दो चार कोचिंग वाले जाएंगे जेल, होमगार्ड सिपाही दो चार जेल चले जाएंगे, मान लीजिए सॉल्वर गैंग, अनसॉल्वर गैंग आदि इत्यादि करके 10-20-50 लोग और जेल चले जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, वो लोग भी छूट छाट के अपने पुराने धंधे में लग जाएंगे। नहीं, दंड जब तक बड़े स्तर पर निर्धारित नहीं होता उसकी गूंज और अनगूंज नहीं होती। छोटे स्तर पर छोटे लोगों को दिए गए दंड की गूंज नहीं होती, वो व्यक्तिशः बस रहे होते हैं, वो व्यक्ति को दिया गया दंड तक सीमित रहते हैं, वो नजीर नहीं बनते। होमगार्ड को जेल भेज दिया, ये नजीर नहीं बनेगा। किसी जिले के कप्तान को जेल भेज दिया तो नजीर रहेगी 100 साल तक। किसी विभाग के मुखिया आईएएस को जेल भेज दिया आपने, 100 साल तक नजीर रहेगी। किसी लेखपाल को जेल भेज दिया, को 5 दिन की नजीर नहीं, ठीक है जेल भेज दिया, वो छूट जाएगा, काय की नजीर। किसी कोचिंग के बाबू को जेल भेज दिया, कोई नजीर नहीं होगी, उसके पड़ोसी तक में हलचल नहीं, उसके पड़ोस तक में हलचल नहीं होती है। वो कहते हैं भैया तो जेल जाते आते रहते हैं, छूट जाते, कोई समस्या नहीं, काय की नजीर। जो मूंगफली की ठेल लगा रहा है उसको दो डंडे मार दे पुलिस तो कोई नजीर नहीं बनती। लेकिन अगर शहर में अतिक्रमण करके बनाई ऐसी कोई इमारत, माल मॉल बनाया गया हो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, जिसमें सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ हो और वो इमारत सील कर दी जाए और उसका मालिक जेल भेज दिया जाए, तो वो नजीर फिर रहती है आसपास के 10 जिलों में 50 साल तक रहती है ना। बस इसी व्यवस्था के अंतर को समझना जरूरी। मेरी दृष्टि में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग, इन दो समस्याओं से निपटने के लिए दंड की व्यवस्था अधिकारियों के शीर्ष पदानुक्रम से करनी होगी, नीचे से नहीं। अगर हम वहां से कर पाएंगे तो फिर नजीर बनेगी। मैं ये नहीं मान सकता अब कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी व्यवस्था बची ही नहीं जो ईमानदारी से इम्तिहान कराए जा सके। नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी इम्तिहान हो रहे हैं, भारत के अन्य राज्यों में भी इम्तिहान हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग आईएएस की परीक्षा करता है ना, आईपीएस की, वहां तो ऐसा नहीं होता, परीक्षा तो परीक्षा, वहां ईमानदारी से कैसे हो जाती और यहां क्यों नहीं हो पाती। केंद्रीय सेवाओं का मसला जो है, संघ लोक सेवा आयोग के जरिए जो होती हैं परीक्षाएं, वो ईमानदारी से कैसे हो जाती। कभी आपने सुना कि आईएएस का पर्चा गुड्डू पान वाले की दुकान पर मिल रहा है, ये पप्पू चाय वाले की दुकान पर मिल रहा है, कभी सुना आपने? नहीं ना। कभी किसी ने मोबाइल की फोटो डाली कि हमारे मोबाइल पर आईएएस का पर्चा आ गया, ले लो ले लो ले लो, नहीं ना। फिर अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि अगर देश में एक परीक्षा ईमानदारी से, व्यवस्थित तरीके से हो सकती है, पारदर्शिता से, तो बाकी शेष सभी परीक्षाएं ऐसे क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। धन्यवाद।